तो फिल्म या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही नहीं, तमाम लोग हैं जो स्तब्ध हैं, चौंक गए हैं इस खबर के बाद। हम आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन हैं, और जैसे पूरे देश में लोग आश्चर्य में हैं मोइन कि इतना बड़ा सितारा जिसे वो सोशल मीडिया अपडेट के जरिए, टीवी के जरिए रोज देखा करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। किस तरीके से प्रयागराज से आपको अपडेट मिल रही है, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके की बातें आ रही हैं सामने, जरा बताइए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी देश में शोक की लहर है, पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है कि महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया छोड़ दी। और प्रयागराज के लोगों के लिए तो आज का दिन काफी दुखद है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का प्रयागराज से गहरा नाता था। उनके पिता अशोक शुक्ला यही प्रयागराज के रहने वाले थे। हालांकि सिद्धार्थ के जन्म के पहले ही नौकरी मिल जाने की वजह से, सिविल इंजीनियर बन जाने की वजह से वो यहां से मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तो सिद्धार्थ का जन्म भले ही मुंबई में हुआ था, लेकिन उनके पूर्वज इसी प्रयागराज के एक गांव में रहा करते थे। तो पूरे प्रयागराज ने उनको, उनका बचपन भले ही ना देखा हो, लेकिन कम से कम टीवी और फिल्म के पहले पर्दे पर उनको कई बार देखा। और बहुत बड़ी संख्या है प्रयागराज में सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस की। लोग उनकी सादगी को काफी पसंद करते थे, लोग उनके अभिनय के दीवाने थे, और जो उनका अभिनय का अंदाज था वो लोगों को काफी पसंद था। तो आज दिन में जैसे ही यहां के लोगों को इस बात की खबर मिली, लोग सदमे में आ गए। तमाम लोग ऐसे थे जो हैरान रह गए। लोगों का यही कहना था कि ये 40 साल की उम्र जिंदगी छोड़ने की नहीं होती है। हालांकि लोगों को ये जरूर कहना था कि पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था। सोशल मीडिया और मीडिया में इस बात की जानकारी आई थी कि तबीयत गड़बड़ होने की वजह से कई बार उन्होंने अपने कलीग्स के साथ झगड़े भी किए थे, लेकिन उनकी जो बाकी चीजें थी वो लोगों के जहन में लगातार गूंजती रहती थी। चाहे वो बालिका वधू में की गई एक्टिंग हो, चाहे पवित्र रिश्ता में किया गया अभिनय हो, और सबसे बढ़कर बिग बॉस में जो उन्होंने लंबा अरसा गुजारा था, बाद में वो विनर बनकर 2013 सीजन 13 के विनर बनकर वो निकले थे। तो एक एक पल, एक एक तस्वीरें यहां के लोगों के जहन में गूंज रही हैं। लोग उनको याद कर रहे हैं, नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और बार बार यही कह रहे हैं कि ये कोई उम्र नहीं होती दुनिया छोड़ने की, अलविदा कहने की। बिल्कुल मोइन, देखिए कि 40 की उम्र में लोगों के दिलों को जीतने का सिलसिला शुरू हुआ था बिग बॉस के बाद से ही। हालांकि लंबा सफर भी रहा है, लेकिन दिल की धड़कनें रुकने से इस उम्र में मौत शायद हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है ये समझ पाना। लेकिन जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, जहां से जड़ें जुड़ी हैं, सिद्धार्थ के परिवार की जड़ें, जहां मूलतः जिसे निवासी कहा जाता है, उस एरिया के बारे में भी थोड़ा बताइए, और किस तरीके से लोग अब इस बात को समझ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वैसे कहने के लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सितारा खो के हर कोई दुखी है। देखिए, अब सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार का तो यहाँ पर कोई नहीं बचा हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म भी मुंबई में हुआ था, लेकिन उनके पिता अशोक शुक्ला जो है वो प्रयागराज के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। वहां पर वो काफी मिलनसार स्वभाव के थे। हालांकि सिद्धार्थ के माता जी के साथ जब उनकी शादी हुई थी, उसी के जस्ट बाद जो है उन्हें सिविल इंजीनियरिंग में नौकरी मिल गई थी, वो मुंबई चले गए थे। लिहाजा मुंबई में रहने की वजह से सिद्धार्थ का जन्म मुंबई हुआ था। लेकिन लोग बताते हैं कि बचपन में कई बार अपने पिता के साथ सिद्धार्थ प्रयागराज आते थे, और यहाँ पर जिन लोगों ने सिद्धार्थ के बचपने को देखा है वो उनकी जमकर तारीफ किया करते हैं। कोई बताता है कि वो बहुत सादगी के साथ रहते थे, कोई बताता है कि बचपन में बहुत नटखट रहा करते थे, सभी से लिपट जाते थे, और लोग उनका चेहरा याद करते बताते हैं कि किस तरह उन्होंने गोद में लेकर सिद्धार्थ को खिलाया था। तो लोग काफी सदमे में हैं, लोग दुखी हैं, सिद्धार्थ की एक एक तस्वीर को याद कर रहे हैं, उनके अभिनय को याद कर रहे हैं, टेलीविजन पर लोगों ने जो सिद्धार्थ को देखा है उस पल को याद कर रहे हैं, और लोग बार बार यही कह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़ जाने का कतई कोई अंदाजा नहीं था। इस वजह से ये जो दुख है वो दोगुना हो गया है, क्योंकि 40 साल की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, और कोई बहुत गंभीर बीमारी भी उन्हें नहीं थी। लोगों को, फैंस को ये जरूर जानकारी थी कि वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बीमार है, लेकिन लोग उसे सामान्य बीमारी समझ रहे हैं। के लिए फॉलोअर्स बने हैं, जिसके लोग फिटनेस के दीवाने हैं, और कौन इस बात को गंभीरता से लेगा कि तबीयत खराब है और वो अस्पताल जाएंगे और कभी वापस ही नहीं आएंगे। ये तो मानना बहुत मुश्किल है ना, कैसे ही माने तमाम फॉलोअर्स। बहरहाल मोइन, आपका शुक्रिया कि आपने बताया जड़ें जो जुड़ी हैं, जहां से पिता का मूल जुड़ा है वो प्रयागराज का एक छोटा सा गांव है। लोगों ने बचपन में सिद्धार्थ को देखा था, तो वो अपने अनुभव साझा कर रहे थे और वही बातें हमारे सहयोगी बता रहे थे।